आज 2 अगस्त 2024 यानी कि कांवर यात्रा का आखिरी दिन, भोलेनाथ के जल अभिषेक का दिन। हर की पौड़ी एक ऐसा स्थान जहां लगभग 100-125 करोड़ हिंदुओं की आस्था बंधी है। आस्था का एक ऐसा केंद्र जहां हर प्रांत, हर जाति के लोग आते हैं और एक सूत्र में बंधकर भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। एक ऐसा उद्घोष जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठता है। करीब 6 बजे का समय था और हमने सोचा कि हर की पौड़ी के खूबसूरत दृश्य को फिल्मा लिया जाए। लेकिन जब मैं हर की पौड़ी पहुंचा तो एक मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। अनगिनत सवाल मेरे मस्तिष्क में उठने लगे। मानो क्रोध और लाचारी मेरे मन मस्तिष्क में दम तोड़ रही थी। आप स्वयं ही देखिए कांवड़ यात्रा के बाद का हाल। ये तो बस अभी शुरुआत थी। लगता है कि हम आस्था तो पूरी लेके आएंगे लेकिन अपने कर्तव्यों को घर पर छोड़कर आ जाएंगे। क्या यही सभ्य समाज की निशानी है? 200 से 400 किलोमीटर दूर तपती धूप में हम गंगा जल लेके जाते हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। क्या सच में हम इस प्रकार उनको प्रसन्न कर पाएंगे? क्या सच में हम लोग ये सब करके पुण्य लेके जा रहे हैं या पुण्य का काम कर रहे हैं? हमारे सनातन धर्म में गंगा मैया को एक माता की उपाधि दी गई है। इनकी इतनी मान्यता है कि एक आस्था की डुबकी से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। आप स्वयं ही बताइए, ऐसी शक्तिशाली माता जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो और उनका जीवन चक्र चलता हो, उनके ऊपर हम कितना बोझ डालेंगे? वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। निश्चय तो आपको करना है कि आप गंगा मैया को क्या मानते हो। एक अजीब से सदमे में था, मन विचलित था, काफी कठिन था वीडियो बनाना।
लेकिन सच्चाई से अवगत कराना भी मेरा एक कर्तव्य था। बहुत आवश्यक था कि आपके सामने इस सत्य को लाया जाए। पुराने पहनने के कपड़े, पन्नियां, चप्पलें, जहां तक नजर मारो यही सब दिख रहा था। साधुवाद देता हूं सफाई कर्मचारियों को कि यदि वो ना होते तो यहां क्या हाल होता। अपनी सारी गलतियों का ठीकरा शासन, प्रशासन या सफाई कर्मचारियों के ऊपर फोड़ना भी काफी गलत है। टनों कूड़ा पूरे घंटाघर घाट पे फैला हुआ था और ये सफाई कर्मचारी भी अपनी क्षमता से कहीं अधिक मेहनत कर रहे थे। हम बस असहाय ये देखने को मजबूर थे। लोग मजबूर थे कूड़े के ढेर के पास बैठकर गंगा आरती में भाग लेने के लिए। जितना हो सकता था कूड़े के ढेर को एक तरफ करने के लिए लोकल कर्मचारी जुटे हुए थे। लोग कूड़े के ढेर पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे। ये कौन सी आस्था है कि देवनगरी में अपनी चप्पलें, पुराने कपड़े और पन्नियां छोड़ जाना। कम से कम इतना प्रयास तो कर ही सकते हो कि इन पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके किसी डस्टबिन में डाल दिया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सत्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने में सुधार ला सकें। यदि ये वीडियो देख के आप लोगों में और कुछ लोगों में सुधार आ जाता है तो मैं ये अपना सौभाग्य मानूंगा। सभी से प्रार्थना है देवभूमि में जब भी आए पुण्य कमा के जाएं, ना कि पाप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।